भवन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर बसपा सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको दिखाते हैं। भाइयों बहनों, अंबेडकर नगर की जब बात होती है तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्मरण हो उठता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पावन भूमि है। डॉक्टर लोहिया के बारे में कहा जाता था बहुत बड़े समाजवादी चिंतक थे। उन्होंने 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश के अंदर कई जनपदों में रामायण मेलों की शुरुआत की थी। लेकिन भाइयों बहनों, डॉक्टर लोहिया के वर्तमान के अनुयायी आज राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और भाइयों बहनों, उनके द्वारा राम भक्तों का अपमान किस रूप में किया जाता है ये किसी से छुपावा नहीं है। हम सब इस बात को जानते हैं कि राम मनोहर लोहिया कहते थे कि एक सच्चे समाजवादी को संपत्ति और संतति से दूर रहना चाहिए। लेकिन ये जो आज के कथित समाजवादी हैं, ये सहयोग सबका चाहते हैं। इनका नारा है सबका साथ लेकिन सफाई खानदान का विकास, वो उससे बाहर सोच ही नहीं सकते। सब कुछ उसी परिवार को मिलना चाहिए, बाकी किसी को नहीं मिलना चाहिए। और भाइयों बहनों, वही स्थिति उनके साथ में होती है। जिन लोगों ने केवल अपने शासन काल में जब उन्हें अवसर मिला केवल अराजकता फैलाई, गुंडागर्दी फैलाई, हर जगह अव्यवस्था फैलाई, और भाइयों बहनों उनका परिणाम था उत्तर प्रदेश बदनाम होता गया, दंगे होते गए। अंबेडकर नगर के बारे में कहा जाता है कि यहां पर अंबेडकर नगर में बड़े पैमाने पर यहां के लोग इस विश्वास के साथ कार्य कर रहे थे कि अंबेडकर नगर का भी कभी समय आएगा ये भी विकास करेगा। लेकिन इन परिवारवादी लोगों ने, जिनको केवल अपने परिवार के लोगों का भला चाहिए था, वे लोग विकास नहीं होने दिए। और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये परिवारवादी कभी दंगा कराते हैं, कभी अराजकता फैलाते हैं, कभी गुंडागर्दी करते हैं, और रूप बदलने में तो इतने माहिर हैं कि जो लोग पहले दंगा करा करके राह चलते हुए राहगीरों और व्यापारियों से छिनैती और लूटपाट करवाते थे, उनके राह चलते हुए गुर्गे हमेशा तमंचा रखते थे, आज आप देख रहे होंगे वे लोग हनुमान जी की गदा लेकर के घूमने लग गए हैं। और भाइयों बहनों, आप देखना 2024 में जब लोकसभा चुनाव में हम लोग आएंगे ना, उससे पहले इनमें से ज्यादातर परिवारवादी ऐसे होंगे जो अयोध्या में राम भक्तों के साथ कार्य सेवा करते हुए दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय का प्रतीक है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य कर रही है।
मैं पूछना चाहता हूं अम्बेडकर वासियों से, आप मुझे बताइए 2017 के पहले बिजली मिलती थी? आज तो मिलती होगी ना, कोई भेदभाव तो नहीं होता है? 2017 के पहले तो बिजली की भी यहां जाति और मजहब हुआ करता था। ईद और मुहर्रम में बिजली आती थी, होली और दीपावली में बिजली गायब हो जाती थी। सच कह रहे हैं ना भाइयों बहनों? आज की स्थिति क्या है? पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? आप सभी लोग वैक्सीन ले लिए? ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। वैक्सीन का पैसा तो नहीं लिया किसी ने, झूठ मत बोलना, सब फ्री में लगा है ना। अब याद करिए, अगर सपा बसपा की सरकार होती तो भाइयों बहनों सब वैक्सीन ब्लैक हो जाती है। सही बोल रहा हूं ना? हो जाती ना ब्लैक। लेकिन आज ये वैक्सीन हर गरीब को मिल रहा है, बिना भेदभाव के हर नागरिक को मिल रहा है। यही तो है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। आप मुझे बताओ, कोरोना के पूरे कालखंड के दौरान हर गरीब को दो बार राशन महीने में मिला कि नहीं मिला है? और राशन के साथ दाल, तेल और नमक मिला कि नहीं मिला? मिला है ना? मुझे बताओ, क्या 17 के पहले ही मिलता था क्या? भाइयों बहनों, 12 से 17 के बीच ये सारा का सारा पैसा, ये सारा का सारा जितना भी पैसा था, ये समाजवादी पार्टी के गुर्गे खा जाते थे। और भाइयों बहनों, उससे पहले गरीबों का ये राशन बहन जी का हाथी खा जाता था। हाथी तो इस समय फिसल रहा है ना, कभी इधर जाता है कभी उधर जा रहा है। जब पिछली बार हाथी से लड़े होंगे, इस बार वो दूसरी पार्टी से लड़ रहे होंगे। अब उनसे पूछना चाहिए, जब हाथी उनका वजन नहीं संभाल पाई है तो साइकिल तो वैसे पंचर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? और जो ये राशन खाने वाले हैं गरीबों का, भाइयों बहनों, इन्हीं के लिए हमने बुलडोजर बनाया है। समझ गए ना बुलडोजर की ताकत को? ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बनाता है और बेमान और भ्रष्टाचारी नेताओं की और माफियाओं के ऊपर भी जब चढ़ता है तो उन्हें खूब रगड़ते हुए आगे बढ़ता है। और इसीलिए सपा बसपा गरीबों का अन्न खा जाती थी, दवा का पैसा खा जाती थी। और इसीलिए कटहरी में जो अन्याय होता था, इस अन्याय को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल निषाद राज पार्टी को ये सीट दी है, जिससे अवधेश द्विवेदी भोजन भरी थाली लेकर के आपके पास आ सके। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे उसमें बीजेपी को बहुमत से जीत मिलेगी। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।